कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है। यानी आज दंतेवाड़ा में किसान रथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद पूरे प्रदेश के लिए निकलेगा। प्रदेश कांग्रेस किसान ने 36 रथ तैयार किए हैं जो 36 किसानी हितैषी योजनाओं को हर विधानसभा में पहुंचाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आप जगह जगह देख रहे हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत दंतेवाड़ा से होगी। देख सकते हैं ये पोस्टर लगा हुआ, ये बस पहुंची हुई है। इसी बस के माध्यम से दंतेवाड़ा से किसान जोड़ो सम्मान जो यात्रा है छत्तीसगढ़ के 36 विधानसभा में चलाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। आज इसके लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहुंचेंगे, जो कि जो किसान जोड़ो सम्मान यात्रा इसकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले बार भी जब कांग्रेस आई थी तो किसानों को जो कांग्रेस की सरकार है बहुत ज़्यादा महत्व देती है, पिछले बार भी उनका कर्जा माफ़ किया गया था, इसलिए किसान इस बार भी कांग्रेस की सरकार किसानों को हाथ में लेकर के चलने के मूड में है। मैं बता दूं कि ये देखिए छत्तीसगढ़ मातारी की ये तस्वीर लगी हुई है, इसी बस से ये जो यात्रा यहाँ से शुरू होगी और बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा से निकलने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 36 विधानसभा में ये बस घूमेगी, जहाँ पर मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाएगी। दंतेवाड़ा से INH के लिए पंकज सिंह भदौरिया। और चलिए बात करेंगे केंद्रीय मंत्री